Hey everyone, welcome back in this new video lecture. So, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं important government schemes which is recently launched by Indian government. So, this is one of the important topic of GK and current affairs. And without wasting time, let's start our work. Okay, so first scheme की अगर हम बात करें, तो first scheme जो है वो है PM Modi launches PM Kisan Income Support Scheme for Farmers. Okay. सो आपको टैगलाइन से पता लग गया होगा इनकम सपोर्ट स्कीम. तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली इस स्कीम के अंडर जो है वो एनुअली जो ग्रांट है ऑफ 6,000 वो प्रोवाइड की जाएगी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जिनके पास 2 हेक्टर तक की जो ज़मीन है, ठीक है, उनको प्रोवाइड की जाएगी. ओके, और नेक्स्ट जो है वो है कि इसका जो बेनिफिट है वो एटलीस्ट 120 मिलियन फार्मर्स को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मंदन. ओके, सो इस स्कीम के अंडर बेसिकली क्या है, इस स्कीम में क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये जो स्कीम है बेसिकली अनाउंस की है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन स्कीम. और ये जो स्कीम है ये बेसिकली उन वर्कर्स के लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मींस कि जिनमें कुछ पता नहीं है कि कब तक चलेंगे, कब तक टिकेंगे. सो अनऑर्गेनाइज वर्ड्स है, यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन इमेजिन कि मैं किस सेक्टर के बात कर रहा हूँ या किसको टारगेट कर रहा हूँ. ओके, सो इस स्कीम में क्या है, बेसिकली इस स्कीम में ये है कि वो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर वो अपना एक पेंशन अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं और वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे मनी जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं. और जितने भी कैंडिडेट जो हैं, मतलब जो भी इंटरेस्टेड हैं, मतलब 18 साल से ऊपर और या 18 साल तक के लोग जितने भी हैं वो इसको ओपन करवा सकते हैं. और उनको 55 रुपीज़ जो है वो पर मंथ पे करने हैं अप टू 60 ईयर्स, मतलब 60 साल तक. उसके बाद जितना भी उन्होंने अमाउंट पे किया होगा वो उस सेम उतना ही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी. एंड आफ्टर दैट, मतलब आफ्टर 60s उनको हर महीने 3,000 रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा उन वर्कर्स को. ओके, सो ये जो स्कीम है बेसिकली इट विल प्रोवाइड बेनिफिट अप्रॉक्स 10 करोड़ वर्कर्स हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ओके, सो नेक्स्ट स्कीम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्कीम आता है नो इंडिया प्रोग्राम. सो नो इंडिया से ही आपको पता लग गया होगा, नो वर्ड से पता लग गया होगा कि इसका मतलब क्या है. मतलब कि इंडिया की हेरिटेज को या इंडियन हिस्ट्री के बारे में या इंडिया की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी देना. ओके, सो इस प्रोग्राम का, इस मतलब स्कीम का बेसिकली जो इनिशिएटिव हुआ वो ये है कि जितने भी इंडियन ओरिजिन यूथ है 18 से लेकर 30 ईयर तक, उनको इंडियन रूट्स के साथ फैमिलियर करवाया जाए. मतलब इंडियन रूट्स हो गए या कंटेम्प्रेरी इंडियन हो गए उसके साथ इन यूथ को फैमिलियर करवाया जाए, इनको बताया जाए बेसिकली व्हाट्स अ रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया. अंडरस्टैंड, सो ये इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फोर्थ स्कीम की बात करूँ तो नेक्स्ट आता है आपका नीति आयोग और एडोब पार्टनर कोलैबोरेशन. और इन्होंने कोलैब किस चीज़ के ऊपर किया, बेसिकली ये डिजिटल लिटरेसी और क्रिएटिव स्किल्स को एनहेंस करने के लिए इन दोनों ने कोलैब किया. तो नीति आयोग, यू नो, इट्स अ गवर्नमेंट ग्रुप, आप लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है. बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं बेसिकली जो वर्क करते हैं प्लानिंग के ऊपर. तो पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा नीति आयोग क्या है. सो एडोब जो है वो आपको वो भी पता है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, एक मेजर सॉफ्टवेयर है. सो बेसिकली इन नीति आयोग और अडोब ने इन दोनों ने कोलैब किया है डिजिटल लिटरेसी और क्रिएटिव स्किल्स को एनहेंस करने के लिए. और इसमें अराउंड अक्रॉस 100 स्कूल्स जो हैं उन 100 स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जाएगी अब अंडर अटल टिंकरिंग लैब्स इनिशिएटिव. ओके, सो अराउंड मतलब 100 स्कूल्स में इस ये जो बेनिफिट है ये प्रोवाइड किया जाए. एज यू नो कि अब हर एक चीज़ जितनी भी है वो डिजिटलाइज हो रही है. सो इट्स अ सो गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग ऑल दैट थिंग सो दैट मेकिंग एवरीथिंग डिजिटल सो दैट क्रिएटिवनेस हो गया या एफर्ट्स हो गए उसमें कमी आ सके. और मतलब विद लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, विद लेस अमाउंट ऑफ वर्क, वी कैन जनरेट अ लॉट्स ऑफ आउटपुट. सो दिस इज़ द बेसिकली दिस इज़ द रिजल्ट एंड दिस इज़ द
होल यू कैन से रिजल्ट ऑफ डिजिटल थिंग्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ स्कीम की। तो फिफ्थ स्कीम में क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च किया श्रेयस प्रोग्राम। और श्रेयस प्रोग्राम बेसिकली इसका मेन फुल फॉर्म क्या है, यह है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन स्किल्स प्रोग्राम। और बेसिकली इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो लर्निंग के साथ साथ अर्निंग कर सके। ओके, सो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो मैं बता दूं। तो सेम ही ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट को जो है वो इम्प्रूव किया जाए, एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ की जाए स्टूडेंट्स में, ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको स्टार्ट करके। सो उसके साथ आता है कि उन स्किल्स पे उन स्किल वो उनको उन स्किल्स के ऊपर जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वो ऑलरेडी डिमांड्स में होगी, सो दैट स्टूडेंट्स कैन बी अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका कि वही जो सेम मैंने बता दिया कि वो अपनी लर्निंग के साथ साथ जो है अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सके। ओके ओके, सो अब हम बात करेंगे सिक्स स्कीम की। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं मोर देन 5 लाख हाउसेस अंडर PMAY, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंडर गवर्नमेंट ने मोर देन 5 लाख हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अप्रूवल जो है वो दे दिया। नेक्स्ट बात आती है सेवन्थ स्कीम की। और इस सेवन्थ स्कीम में जो स्कीम है वो है पोषण अभियान। ठीक है, और पोषण अभियान बेसिकली ये एक प्रमुख प्रोग्राम जो है, मतलब एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसका जो एम है बेसिकली वो है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए चिल्ड्रंस में, एडल्सेंट गर्ल में, प्रेगनेंट वुमेन हो गया, एंड लैक्टिंग मदर्स, मतलब इनके अंदर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इंक्रीज जो है वो किया जाएगा इस पोषण अभियान स्कीम के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी इनॉग्रेट 2 सिल्क प्रोजेक्ट इन असम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट है उसका नाम है स्वाइल टू सिल्क प्रोजेक्ट, और नेक्स्ट है एरी स्पून सिल्क मिल इन असम। ओके, और ये इनॉग्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी द्वारा। नेक्स्ट नाइन्थ की अगर हम बात करें तो नाइन्थ स्कीम जो है वो है बेसिकली कंटिन्यूशन ऑफ CLCSTUS स्कीम फॉर MSCME। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CLCSTUS ये है क्या, ये है बेसिकली क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, तो MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब इनके लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। ठीक है, कैपिटल सब्सिडी मतलब जो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है उसमें थोड़ा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन। और ये जो स्कीम है ये बेसिकली कुछ पायलट थी, मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए स्टार्ट हुई थी, अब उसमें फिर से एक्सटेंशन हो गया है MSME जितने भी एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए। ठीक है, और द टोटल आउटले ऑफ 2900 करोड़। ओके, नेक्स्ट जो है टेंथ स्कीम की अगर हम बात करें तो टेंथ स्कीम में आता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना। ठीक है, और इसमें यह है एक वॉलंटियर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। ओके, सो बेसिकली ये हम सबसे पहले हमने इसी के बारे में बात की थी, ये वही है जिसमें 50-50 रेशियो में जो है वो पेमेंट होगी, मतलब लोगों को अपना जो पेंशन अकाउंट है वो ओपन करना है 18 साल वाले या उससे ऊपर वाले वो ज्वाइन कर सकते हैं, और 60 साल तक उन्हें 55 रुपीज़ पर मंथ देना है, एंड आफ्टर 60s मतलब 60 साल के बाद जितना भी उनका अमाउंट होगा सेम उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें ऐड करके उनको 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपीज़ जो है वो देना शुरू कर देगी। ओके, सो ये था आज, ये थी वो इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो अभी रिसेंटली Feb 2019 में रिसेंटली लॉन्च की गई है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, सो दैट्स वाई मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके और इवन आप लोगों को पता लग सके। और फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक छोटा सा लाइक कर देना आई थिंक बस, ताकि मुझसे पहुँच जाए कि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की वो वर्थी है।
और आप लोगों को उसकी समझ आए। ओके सो फाइनली दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर